नमस्कार, आज मैं अर्णव दीवान IIT मुंबई का एक छात्र आप लोगों को परमाणु एवं अणु यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाना चाहूंगा। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कर्णन ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य यानी पदार्थ को विभाजित करते जाएं, तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं लुसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। अब हम ये देखेंगे कि हमें यह विषय क्यों पढ़ना चाहिए और हमें इस विषय को पढ़ने से क्या लाभ प्राप्त होता है। जो पहला कारण है वह ये है कि हमारा संसार इन कणों से ही तो निर्मित होता है। इन कणों के बारे में पढ़ने से हमें हमारे संसार के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि हमारा संसार कितना पुराना है यानी कितने वर्ष पहले बना था और हमारा संसार कितना बड़ा है। हमें इन कणों के बारे में पढ़ने से हमें अनेक प्रतिक्रियाओं के बारे में भी पता चलता है, जो हमारा दूसरा कारण है। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने की इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिक एंटोइन लावोइज़िएर ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। रासायनिक संयोजन के नियम लावोइज़िएर एवं जोसेफ एल बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। जो पहला नियम स्थापित किया गया था वह था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम एंटोइन लावोइज़िएर ने स्थापित किया था और इसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं। जब रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तब द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश। अब यहां पर जो हमने एक उदाहरण दिया है उसमें कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में प्रतिक्रिया दिखाई गई है। पहले जब ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हुए होते तब इन दोनों का द्रव्यमान लगभग 300 ग्राम होता है, परंतु जैसे ही हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं और इन दोनों के बीच में प्रतिक्रिया होती है जिससे हमें कैल्शियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिलता है, तब आप एक चीज देखेंगे कि इनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसे अनेक प्रतिक्रियाओं को देखकर यह नियम स्थापित किया गया था। दूसरा नियम स्थापित किया गया था वह स्थिर अनुपात का नियम है। यह नियम जोसेफ एल प्राउस ने स्थापित किया गया था। इसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में
विद्यमान होते हैं। प्राउस्ट एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। अब हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। नियम स्थापित किए गए थे उनमें से पहला है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या से अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। अब जो अगला प्रश्न आप लोगों के मन में आता है वह ये होता है कि परमाणु क्या होता है। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणु को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की शीट जितनी मोटी परत बन। अब हम तत्वों के प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ से में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जेलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था, जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण दे रखे हैं जैसे प्रतीक डाल्टन और बर्जेलियस इस्तेमाल करते थे। आप इनको देख सकते हैं परंतु इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन में H बड़े अक्षर में लिखा जाता है और एल्यूमिनियम में A बड़े अक्षर में लिखा जाता है और जो L है वह छोटे अक्षर में लिखा जाता है। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को
संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण क्लोरीन और जिंक। क्लोरीन में सी और एल होता है और जिंक में जेड और एन होता है। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरणतः लोहा यानी आयरन का प्रतीक Fe होता है, जिसका लैटिन नाम फेरम से उत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटेशियम का प्रतीक के क्रमश नेट्रियम एवं केलियम से व्युत्पन्न है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। हमने आज अनेक वैज्ञानिकों जैसे एंटोइन लावोइज़िएर, प्राउस और डाल्टन द्वारा स्थापित अनेक नियम और सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। हमने यह भी पढ़ा कि परमाणु क्या होता है और हमने IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा स्थापित अनेक तत्वों के चिन्हों के बारे में भी पढ़ा। हम अगले भाग में यह पढ़ेंगे कि अणु क्या होते हैं और परमाणुओं के द्रव्यमान के बारे में भी पढ़ेंगे। हम ये भी देखेंगे कि हम रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।